कढ़ाई पनीर बना रहे हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसमें ना ये मैंने पहले इसमें प्याज का ना छौंक लगा, प्याज पहले मेथी डाला, मेथी दाना डाल करके प्याज मैंने फ्राई कर लिया था पहले ही, और जो मसाले थे ना वो भी मैंने ये कर दिया था, फ्राई कर लिया था साथ साथ। और फिर पालक को ना मैंने बॉईल करके, बॉईल करने के बाद ना पालक को मैं क्या बोलते हैं ना इसको वो क्रश कर दी हल्का सा हाथ से ना, तो इससे ही हो गया, उंगलियों से ना ऐसे ऐसे करके मैंने क्रश कर दिया, तो बहुत अच्छा ये हो गया। देखो आप कितना अच्छा है कढ़ाई का ये कढ़ाई पनीर ना मैं बना हम बना रहे अभी, देखो आप। और ये रहा पनीर, इसको भी इसी में डालेंगे, काट करके इसको हम काटेंगे अभी पीस पीस। और इसमें कढ़ाई पनीर हम बनाएंगे, ये देखो आप, आपको दिखा रहे हैं ना, इसमें पनीर वाले ने ना इसको सही उसमें नहीं दिया, शेप में नहीं दिया, देखो कैसे टेढ़ा मेढ़ा दे रखा है शेप में। पनीर बहुत अच्छी बनेगी, कढ़ाई पनीर है एक बहुत अच्छी बनेगी दोस्तों। कुछ करना नहीं रहता है, मेथी दाने का ना वो छौंक लगाना रहता है, और थोड़ा सा पालक को आप बॉईल कर लो ऐसे ही कढ़ाई में, और बॉईल करके आप निकालो हाथ से इसको क्रश कर लो, और थोड़ा सा पालक को कच्चा पीस दो, और जब प्याज भुन जाएगा ना मसाले तब इसको डाल दो साथ साथ पालक को, और पनीर तो कच्चा ही डला जाता है। अब इसमें कुछ करना नहीं, नमक और पानी डाल करके इसको कंप्लीट हो जाएगा ये। ये देखिए हम ऐसे ही बनाते कढ़ाई पनीर, बहुत अच्छा बनता है। इसका जो स्वाद है ना बहुत अच्छा होगा। दोस्तों जब ये तैयार हो जाएगा ना तब हमको दिखाएंगे आपको, ठीक है। बन जाएगा ये बिल्कुल, इसको ना आधा ग्लास से भी कम पानी इसमें डलेगा, एकदम थोड़ा सा पानी डलेगा, आधा से भी कम, आधा कप से एक कप में ना आधा कप डालोगे तो हो जाएगा ये, थोड़ा सा बॉईल होगा उसके बाद तैयार हो जाएगा बिल्कुल, एकदम तैयार ही तैयार है। और इसके बाद ना आधा कप पानी डाल करके नमक डाल करके इसको ढक देंगे और तैयार हो जाएगा, तब हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों है ना पालक का जो हम उबाले हैं ना पानी रखे हुए थे आपको उस समय नहीं दिखाए थे ना, ये पानी ना देखिए अब इसमें डालते हैं, थोड़ा सा डालेंगे बाकी जो पानी रहेगा हम पी जाएंगे। देखिए ज़्यादा पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आधा कप पानी डालने से नहीं हो जाएगा, आधा कप पानी डालने से। दोस्तों ये देखिए ढाबे स्टाइल ना ढाबे वाला कढ़ाई पनीर बन करके बिल्कुल रेडी हो गया, देखो आप। देखो आप ढाबे स्टाइल ना कढ़ाई पनीर है। अब मैं इसको गैस को करूँगी बंद, देखिए बन करके रेडी हो गया ये बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला ढाबे वाली कढ़ाई पनीर है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है ये। और मैंने गैस को कर दिया ऑफ, हो गया बिल्कुल रेडी है। अब भी बनाइए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।